यात्रा शुरू करने से पहले मैं एक बार यात्रा के आपको बता देती हूँ कि सतोपंत यात्रा क्यों की जाती है। पहले तो सतोपंत का मतलब क्या है? सतोपंत का मतलब है सतो यानी सत्य और पंत यानी रास्ता। महाभारत युद्ध में जब पांडव कुल हत्या से पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुँचे, वहाँ भगवान शिव ने उन्हें कुल हत्या के पापों से मुक्ति के लिए सतोपंत की ओर जाने को कहा तथा यह भी कहा कि मार्ग बहुत कठिन है, इसीलिए यदि राह में चलते हुए कोई गिर पड़े या कोई छूट जाए तो आगे बढ़ते रहना है। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, जो भीम पुल क्रॉस करते ही मैंने आपको दिखाया, माना गांव के बाद भीम पुल आता है, उसको क्रॉस करते ही वहाँ पे उन्होंने द्रौपदी मंदिर भी दिखाया मैंने, वहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। पहले एक्चुअली ये रास्ता वहीं से जाता था, बाद में ग्लेशियर पिघलने के कारण लक्ष्मी वन में ग्लेशियर पिघल गया था, अलकापुरी नाम का ग्लेशियर था, ये पिघलने के कारण ये रास्ता बद्रीनाथ धाम के मंदिर जो है उनके पीछे से यात्रा होने लगी। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम ने देह त्यागी, आखिरी में धर्मराज एक कुत्ते के साथ ही सशरीर वहाँ पहुँच पाए थे, श्वान कह लीजिए कुत्ते को। सतोपंत के ठीक सामने स्वर्ग की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देंगी आपको। मान्यता है कि एकादशी के दिन इस पवित्र सरोवर में के तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश कार्तिक मास की पूर्णिमा पे भी आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस सरोवर में एक तिनका फेंक दिया जाए तो वहाँ पे रहने वाले पक्षी उस तिनके को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बहुत सारे संत महात्मा सतोपंत में तप व ध्यान करने से पूर्व वर्ष यहाँ आते जाते रहते हैं। इस यात्रा में हम बद्रीनाथ धाम के अलावा माणा गांव, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और जो कि इस बॉर्डर का आखिरी गांव भी है, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, वसुधारा, लक्ष्मी वन, हम आगे अभी चल के देखेंगे भोजपत्र के पेड़, सहस्रधारा, नीलकंठ पर्वत जो कि आपको बद्रीनाथ धाम से भी दिखाई देते हैं, वहाँ से और क्लियर दिखाई देंगे, असंख्य जल पात्रों आदि के दर्शन हम करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सत्य के इस मार्ग पर, यानी कि सतोपंत यात्रा पे। देखिए डिनर नहीं करेंगे, दूध जलेबी मैंने लास्ट बार इसमें खाया था, इसको खाना अच्छा है। हमारी सारी पैकिंग हो गई है, वैसे फैला हुआ है अभी तक सामान। अब बाहर देखो, बाहर का नजारा। ये खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं जाने की, अभी अभी कर ले, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सारे शूरवीर तैयार हो रहे हैं। जय बद्री विशाल। हम बस में बैठ के पड़ली पार जाएंगे। सब बैठ रहे हैं अंदर और मैं बैठी हूँ यहाँ बाहर, बिल्कुल बोनट के इस पे। इस रास्ते से जाएंगे, ये आर्मी का रास्ता है। बद्रीनाथ जी में ये येलो चोंच वाले क्रो बहुत मिलते हैं, कौवे ये वाले। उस ऊपर वाले रो पे, उस पे जाना है ना, ऊपर वाले ट्रैक पे जाना है। उधर माना है और इधर हम इस साइड जा रहे हैं, अपोजिट साइड। उस रास्ते से गए थे वो द्रौपदी मंदिर था और आज इस रास्ते से जा रहे हैं। ये हमारी यात्रा का पहला दिन है और पहले दिन हमें 8 किलोमीटर कवर करना है, दूसरे दिन 12 है। राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। ये माता मूर्तिका का मंदिर है जो कि धर्म की पत्नी है और नर नारायण की माता है। यहाँ पे साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें श्री बद्री नारायण अपनी माता से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ ऊपर से दर्शन कर सकते हैं यहाँ से, अभी हटाया चेस्टी पे से ये लगा रखी है मैंने यहाँ पे। इधर पूरी खाई है,
नीचे सामने चल रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। आज गोप्रो हाथ में नहीं ले रखा ना, तो थोड़ी थकान कम हो रही है। और सामने वो वसुधारा वो हम करके आए थे वो दिख रही है। ये ट्रैक की ना वो छोटी है, मतलब है ही नहीं। वहाँ तो बने हुए हैं गोमुख में, तो वहाँ सब जगह यहाँ पे जितने लोग जाते हैं तो उनकी फ़ोटो खींची जाती है कि कितने जा रहे हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है। नज़ारे देखिए नेचुरल, और जंगली गुलाब भी खिला हुआ है। यहाँ से रिस्की है, इसीलिए हमने रिस्क नहीं लिया, ऊपर से आगे। देखें ये भी बड़ा स्टीप रास्ता है क्योंकि स्लिपरी है ना। अब सीधा वो खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, जैसे ये तो फिर भी वैसे जा रहा था ना पैडलर पैडलर। कुछ कुछ लोग वहाँ जाके बैठ गए हैं, इसका मतलब थोड़ी सी टफ है। यहाँ ना बोलने बड़ा जोर पड़ रहा है, बेड़े छुपी बैठी है। अच्छा हुआ यहाँ पे वो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी खच्चर ले जाते लोग। बहुत तेज हवा चल गई है, आराम आराम से चल रहे हैं सब, आराम आराम से। मैं बीनू भैया की वेट कर रही हूँ। एक्चुअली उनको ना काफ़ी कुछ पता है, आगे ना पर्वत आ रहे हैं, तो जब तक यहाँ पे आए हैं तो आराम आराम से धीरे धीरे चलें और उनसे नॉलेज लेते चलें और आपको भी बताते चलें। आगे गाइड जा रहा है, लास्ट में वो आ रहे हैं ताकि किसी को कोई कैजुअलिटी हो तो वो पीछे हैं, आगे वाले को आगे वाले संभाल लेंगे, पीछे वाले को पीछे वाले। आनंद वन में आनंद करवा के अब है मेन टफ, ग्लेशियर पे चलना है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स कर लिया वहाँ पे। भैया बता रहे हैं पहले ये जो ग्लेश नदी थी, नदी नहीं थी ग्लेशियर था, मुंह खुला रहता था, अब ये सब निकल गया, धानु ग्लेशियर। ये वाला डेंजर है, जो भी क्रॉस करेंगे वो डेंजर है। भाई साहब साथ में खड़े हैं। ये जो हमने वहाँ से देखा था जिगजैग वाला पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला सबसे डेंजरस है। जितने नीचे आए थे ना उतना ऊपर चढ़ना है। बुग्याल कैसे लहरा रही है। यहाँ के सब ठंडा ठंडा जल पी रहे हैं। ये एरिया बहुत ही खतरनाक था, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था और नीचे से अलकनंदा का वेग आप देख सकते हैं, इसलिए विनी भैया ने पहले ही बोल दिया था कि आपको चुपचाप ये पूरा 500 मीटर का एरिया क्रॉस करना है। तो हम बिना कुछ बोले हुए चुपचाप वहां से निकले। ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पे पत्थर गिरते हैं। कैसा रोड है देख, कहाँ जाना है वहाँ। हमारा इसलिए आनंदवन में रेस्ट कराया गया। ये देखिए ये कितना टफ है, सच में रियल। ये हम ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं, ये नीचे बर्फ़ है पूरी, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको क्रॉस कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई खिसक ना जाए। पानी आ रहा है ना नीचे, ये देखो ग्लेशियर में से पिघल के आ रहा ऊपर। कितना डाउन में है, हर हर महादेव। इसके बाद कोई चढ़ाई नहीं है, कल भी 12 किलोमीटर है पर प्लेन मिलेगा। वसुधारा दिखाई दे गई है, ये पोर्टर आ रहे हैं, ये अपना सामान यहीं कहीं दबा के रखते हैं, इनकी भी हिम्मत है। ये ग्रुप जो आ रहा है चक्र तीर्थ करके आ रहा है, क्योंकि इनमें एक बच्चा या यंगस्टर होगा उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो ये आगे जा नहीं पाए। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, ठंड लग गई थी तुमको? हाँ हाँ। अच्छा, पहाड़ का यही वो है कि बेबी स्टेप रखते चलो, डीप ब्रीथ। ये वीडियो में एक ही बार डालूंगी पूरी, अलग अलग उसमें डालूंगी बड़ी। वो देखो पहुंच गए हम शाम को,
ओसा याने हमसे झूठ बोला, बस इसके बाद ढलान ढलान है। गोमती से 10 गुना डेंजरस है ये। अलकनंदा का भाव देखो, कटाव देखो उनके। मैं तो वसुधारा तक पहुंच गए हैं, कल यहीं से कर लेते हैं शॉर्टकट कुछ मारते। हाँ ये जो झरना आप देख रहे हैं बहुत ही डेंजरस था, दिखने में आपको नहीं लग रहा, इसीलिए हमने जल्दी चढ़ाई शुरू की कि अगर थोड़ी और देर होती तो घुटने तक पानी आ जाता। जब तक हम पहुंचे तो वहां पे पत्थर लगा दिए गए थे। कितना डेंजरस है ये, बहाव कितना तेज आ रहा है। भेड़े कितनी दूर दूर आते हैं चढ़ने के लिए, लेके आते हैं इनको चढ़ाने के लिए। यहाँ हमें गुफा मिली है, ये साधु पहले रहते होंगे, और इसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी। आप बता रहे हैं ये जहाँ पे पोल्यूशन होगा नहीं, जहाँ होगा वो कम होगा, ये कम होगा, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री एरिया है पूरा, वो तो है ही। इस ग्लेशियर को कल कितने दूर से देख रहे थे भैया ने बताया था, ये ग्लेशियर पिघल चुका है, और पहले यहीं से रास्ता था स्वर्गारोहिणी जाने का, और वो पास था, अब वो डबल दूर हो गया है। और इस पर्वत को मैं कितनी दूर से देख रही थी, इस पर्वत की परिक्रमा ही लगानी है मैं जाता हूँ। इसमें ना पानी भरा हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक हो गया। इधर से आ रहा है रखनंदा का जल, और एक इस तरफ से आ रहा है, दोनों का आके फ्लो बन रहा है पूरा। हमें वहाँ जाना है आगे। हमारा आज का बसेरा होगा, मतलब कैंप लगेगा लक्ष्मी वन में। लक्ष्मी वन आ गया है, कैंप में स्लीपिंग बैग में नींद नहीं आती, केदारनाथ जी की याद आती है मुझे, और मैं बता नहीं सकती यहाँ के कितना सुखद एहसास हो रहा है। 4:30 बजे है, कल मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया था, यहाँ ऐसे ही हो जाता है 3-4 बजे। अब थोड़ा सुस्त आएंगे, चाय पियेंगे गरम गरम। भैया ने बोल दिया था भाभी जी मैं ग्लेशियर के बीच में नहीं रहूँगा, ग्राउंड है ये पूरा, यहाँ पे कैंप लगेगा, क्योंकि इधर भी ग्लेशियर नहीं है, उधर है और इधर पीछे है। 6:30 बज गए हैं, अब आए हैं पकोड़े और चाय गर्मा गर्म, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे ही देख लो, मतलब तेज नहीं हवाएं तेज चल रही हैं। पकोड़े शकोड़े खा के जान आ गई है, तो 6:30 बजे निकल आए, हवा बंद हो गई बिल्कुल, और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। सामने अलकापुरी है, इतना ज़बरदस्त क्रैम्प आया पैर में, बता नहीं सकते। ये छोटे छोटे पहाड़ जो है कुबेर पर्वत है, तो ये भोज पत्र के पेड़ हैं। हाँ, गणेश गुफा में व्यास जी बोलते रहे गणेश जी ने वो रखी महाभारत। हमें सतोपंत में जाना, ये भागीरथी ग्लेशियर है, भागीरथी खड़क जो हमारे राइट में है। ऐसी जगहों पे आके ध्यान लगाना चाहिए जरूर। ये यात्रा मैंने अपने लिए की है, ना कि चैनल पे दिखाने के लिए, तो नहीं की थी। पहले भी मैंने एक जी न्यूज़ का भी वो देखा था, और उसके बाद क्या कहते हैं एक और वीडियो देखी थी, तो बड़ा मन था मेरा और शर्मा जी का, तो अपने लिए ये वाली यात्रा की है। अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बोले बाबा की जय, हर हर महादेव। हम आज यहाँ बैठ के कीर्तन भी कर रहे हैं, आप इधर बीच में आ जाओ। और 7:14 हुए हैं, हम हो गए हैं रेडी, आज सब चल दिए धीरे धीरे। 8 बजे हैं, और यहाँ 100 मीटर के बाद ही ग्लेशियर मिल जाएगा। चेस्टी पे लगा लूँगी, क्योंकि बड़ा रिस्की मामला हो जाएगा। 12 किलोमीटर का ट्रैक है, और बहुत ही रिस्की है। ऐसे ऐसे झरनों में अभी कम पानी मिलेगा, जैसे धूप होगी तो ये भर के चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाता है पार करना। को चोटियां दिख रही हैं वो पांच, हाँ। हरकीदून से वही चोटियां दिखती हैं पांच, इसके ठीक पीछे हरकीदून है। अच्छा, हरकीदून क्या देखोगे ना,
हरकिदुन में इनको स्वर्गारोहणी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका जो एक्सपेडिशन होता है उसका यहाँ से जाता है, यहाँ से ही जो जा रहे हैं बागी खड़क, और ये हमें इधर जाना है। ये नंदा देवी पर्वत है, इसकी भी बहुत कठिन चढ़ाई है, और इधर केदारवेली है पीछे। अलकनंदा का उद्गम ये है यहाँ से, ये पूरा अलकनंदा ग्लेशियर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाग लगा रखा हो फूलों का। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर से जा रहे हैं। ओह जाना ऊपर, ओह यहाँ किसी ने कल कैंप किया होगा, वैसे बाबा रहते थे यहाँ पे। ये हमारा पहला पड़ाव है, और ये किधर बैठी है। ये हमारा पहला पड़ाव यहाँ पे आज का। ऐसे कितने आएंगे? 7-8 और आएंगे। ये पुराने टाइम में तपस्वी साधना करते होंगे, भैया गए थे तो घर लोमड़ी निकल के भागी, अभी किसी ने खाना वाना बना रखा, और देखो प्यार। हाँ इसकी बहुत जरूरत है, देखो भाई यहाँ भी मिल गए हमारे जानने वाले। सच में ना बड़ी दिल तमाते जब से मैंने ऋषिकेश पार किया ना, मैंने एक बार मिल जाएं आप। आप मिल गए, जय बद्रीश। ग्रुप में हो तो आप भी सब्सक्राइब कर देना, करवा देना भैया, कर देना इनका। हाँ ऐसे चलना पत्थरों के ऊपर, और मैं बता नहीं सकती, बोला नहीं जा रहा, बोलती आधी एनर्जी डाउन हो रही है। यहीं से ग्लेशियर का भर रहे हैं, और धूप है ना तो वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा, उसी को पी रहे हैं। कौन बोझा डोए बीच बीच में, तो इतने बड़े बड़े मोल्डर आए हैं पत्थरों के। ये क्या है देखो, वन बना हुआ है, ये है भीम गदा। अभी पहुंचे हैं, और अभी हम सहस्त्रधारा पहुंचने वाले हैं। ये हमारी चैंपियन दीदी, मैं आपसे बोल रहे हैं प्लेन आएगा, ऐसा प्लेन है, ऐसा ही प्लेन है बस। ये वो नीलकंठ पर्वत है जो बद्रीनाथ जी से लाइट एकदम चमकती, वो वाली, वो पार्वती पर्वत है। और उसके बीच में जो आपको लैंडस्लाइड जैसा दिख रहा है वो स्वर्गारोहिणी है। भैया बोल रहे तुम सब लकी हो, आज ये साफ व्यू दिखाई दे रहा है। बीच में जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है बर्फ़ की, वो पता नहीं कितना जूम होगा, वो स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। ये है असली सहस्त्रधाराएं, देहरादून के पास जो है ना वो नकली हैं। यहाँ मैंने नकुल बोला था, सहदेव ने प्राण त्यागे थे। ये जगह जगह पोर्टर्स ने ना रास्ता नहीं है, तो ऐसे ऐसे निशानी बनाई हुई है वहाँ पे। ये ऊपर से आ रही है सहस्त्रधारा, यहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ की थकान कुछ कम हुई। असली वाला ऑक्सीजन लेवल तो अभी आगे शुरू होगा। यहाँ थोड़ा सा फ्लैट है तो यहाँ बात कर सकते हैं। ये लोग यहाँ बैठ के खाना खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं, खाना खा लिया तो तबीयत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये उधर से आके ऐसे इधर से साइड से भी आ रहा है, ग्लेशियर है ना, फिर भी पोर्टर ने लगा रखे हैं बड़े बड़े पत्थर। कितनी बड़ी धारा क्रॉस करनी पड़ रही है। यहाँ की कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ की सारी थकान दूर हो गई है ना, ये नज़ारे देख के ना। भैया बोल रहे थे कि आगे आगे चलो, सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे। इस धार धार पे से चलना है, नीचे खाई है, बिना सांस चढ़े आराम आराम से, नहीं तो गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। ये डेंजरस है सीधा खाई में। अब इस धार धार पे पूरी चल, जितनी धार दिखाई दे रही है। इस टाइम आपके दोनों हाथ खाली, और मुंह चुपचाप बंद। बिल्कुल ऐसे, हाँ जैसे मुंह नाक आंख सब दिखाई दे रही है, उन्हीं का ही ऊपर चेहरा ना, और हाथ भी ऐसे ध्यान मुद्रा में ना। ये हमारे अंकल जी ना हमें इतना मोटिवेट कर रहे हैं, पूरा बैग लिया हुआ है भैया आधा पक्का पक्का, और जवान लोगों को भी फेल किया हुआ है, मान लो बाद में चले हैं, बहुत बाद में पहुंच भी गए। ये हमारे चलने पे इन्होंने खाना भी खाया बना भी रहे थे। यहाँ ये लोग सब खाना खाएंगे, और मैं थोड़ी देर
आराम से सोचता हूँ, नींद आ रही है बहुत तेज़। अरे 7 बजे के चल रहे हैं, थोड़ा टाइम हो गया है 12, और अभी तो 3 घंटे का सफ़र हो रहा है। कीचड़ है नीचे, मतलब गीला, यहाँ भी पानी आ जाता होगा क्योंकि पिघल जाता है ना, इसीलिए इसी की बात कर रहे थे कि ये जल्दी क्रॉस करना है। ये पहाड़ क्रॉस कर रहा है बस, ये भी 2 घंटे में होगा। हम इतने घंटे तक सोए हैं यहाँ पे, मैंने तो खराटे लिए हैं और बहुत अच्छी नींद आई है धूप की में ना। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं, है ना। रास्ते के नाम पे पत्थर पे निशानियाँ लगाई हैं बस। एक बजे चले थे, 21 हुए हैं, कह रहे थे 2 घंटे में क्रॉस होगा, 2 घंटे वहाँ तक पहुँचने में कह रहे थे। वहाँ से आए हम नीचे, वहाँ से, और यहाँ देखिए ये ग्लेशियर आ गया। मैंने थोड़े से बादाम खा लिए थे, उससे वॉमिटिंग हो गई। ये पूरा ग्लेशियर ही है। मतलब कितनी बार चक्कर मारते हो, जब अगर मान लो नीचे उतरे और 2 दिन बाद मिल गया तो फिर आ जाओगे। अरे बाप रे, यहाँ से उसको पिछले दिन भी मिलेगा भी आ जाओ, तब भी आ जाओगे। अरे कमाने आया ना, कमाने आया, सही कह रहे हो, बहुत मेहनत है। ये सारे स्लीपिंग बैग जा रहे हैं हमारे, और ये कल कह रहे हैं बिना स्लीपिंग बैग के सोए, कितनी हिम्मत है भाई। एक पहाड़ वहाँ क्रॉस किया, उसके बाद छोटा सा ग्लेशियर था, ये भी ग्लेशियर है, फिर ये किया, कह रहे थे इसके बाद आ जाएगा, अभी तो बहुत चलना है। और हम भी इन पत्थरों को देख देख के चल रहे हैं निशान पे ना। यहाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं, लगती हैं कि कितनी दूर दूर देखते हैं ना हम, लगते हैं बहुत दूर है, कि इधर बदले ऊपर से व्यू देखेंगे तो ये पता चलेगा कि दो पहाड़। अभी ये बता रही है कि इसके पीछे से मुड़ के जाओगे तो गौमुख आ जाएगा। हाँ। तभी तो कई लोग जो पहाड़ी पहाड़ी ट्रैक करते हैं ना, वो ऐसे ही करते होंगे, बड़ा डिफिकल्ट हाँ। होता होगा, चारों पहाड़ियाँ एक साथ कर लेते हैं ना बड़े बड़े ट्रैकर जो आते हैं। ऊपर से आना पड़ेगा, ऐसे न जाने कितने पानी की धाराएं क्रॉस की। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इनका लेवल भी बढ़ता जा रहा था, बहुत ही खतरनाक थे ये। नंगे पैर जाऊं, नंगे पैर हाँ। बाप रे, वो कैसे आया, ये क्रॉस किया हमने, हाँ बनाया। बस अब हम पहुंचने वाले हैं, जूते बच गए, मैंने पंजे रखे आगे। वो कह रहे थे पिट्ठू पे ले जाओ, मन का नहीं पिट्ठू पे क्यों जाऊँ, बेचारे ने इतनी मेहनत करी है पिट्ठू पे उड़ जाए। अब चक्र तीर्थ पहुंचने वाले हैं, अब ये ढलान ढलान है, जब पहुंचने वाले होते हैं ना, जब आती है ढलान, उससे पहले चढ़ाई चढ़ाई 12 किलोमीटर चढ़ के आए हैं। टोटल ये है 28 किलोमीटर, ये क्या कहते हैं सतोपंत का, 28 किलोमीटर का है टोटल, ये 12 से ज़्यादा ही है।
लगता है ऐसे ही है। जैसे कल लक्ष्मी वन पहुँचे तो वहाँ कितना अच्छा लग रहा था, और अब यहाँ पहुँच के चक्र तीर्थ यहाँ अच्छा लगेगा। वो आ गया सामने, ग्राउंड है ना, ग्राउंड में ही बनाते हैं ये बिल्कुल ही। बीच बीच में डेंजरस रास्ते भी होते हैं, और सब पीछे रह गई मेरे साथ वाली, कुछ आगे चले गए कुछ पीछे रह गए। ये आ गया चक्र तीर्थ, वहीं पे हमारे कैंप लगे हैं, और यहीं पे अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। कल शायद सतोपंत का वो ग्लेशियर है या ऊपर वाला ये है पता नहीं है। आज की एक यात्रा और संपन्न हुई। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है और पसीने आके ना ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम क्या टाइम हुआ है, 2-3 बजे हैं, और देखो 3 बजे यहाँ हिमालय में मौसम कैसा हो जाता है। हम गर्मी से भी परेशान हैं, सर्दी से भी परेशान हैं। एक्सट्रीम गर्मी एक्सट्रीम सर्दी। जब मंजिल पास आती है ना तो कितना अच्छा लगता है कि आज एक और पूरा हुआ। कल हमें सतोपंत का ज़्यादा तो नहीं है, वो जहाँ पे भीम ने आखिरी सांसें ली थी, लेकिन क्या है वो कठिन है, तो वापस इसी कैंप में आना पड़ेगा। ग्लेशियर के वहाँ पे वो कैंप नहीं लगवाते भैया, कह रहे मैं रिस्क नहीं लेता। पता है ठंडी ठंड की वजह से ना बोला भी नहीं जा रहा। कई बार जवान लड़खड़ा रही है, और जो ये मेरा हाथ है ना बाहर लटकाए लटकाए चल रहे थे, तो ये इसमें स्वेलिंग भी आ गई है, सूज गया है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, पर जवान देख रहे हो आप जैसे शर्मा जी की हो जाती थी। खाना खाया पराठे और आलू की सब्जी, मैंने नहीं खाई, मैंने 4 वो खाए थे बादाम अभी जब सो गई थी मैं बहुत गहरी नींद में, तो इतनी वॉमिटिंग हुई पूछो मत। अब ठीक हो गया उसके बाद, अब खाऊंगी यहाँ पे रेस्ट करने के बाद और सो जाऊंगी, क्योंकि कल रात को नींद नहीं आई थी, आज शायद आ जाएगी क्योंकि थके इतने हुए हैं। आपकी नींद जरूर पूरी आपकी नींद जरूर पूरी होनी चाहिए जब आप कोई यात्रा करते हैं, और मेरी मैं बता दूँ सबसे टफेस्ट होगी है। गोमुख भी इतना टफ नहीं था, केदारनाथ जी में क्या है टफ है वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अब पैदल जाने के रास्ते हैं, रुकने के रास्ते हैं, बीच बीच में दुकानें बहुत सारी हैं और पहुँच जाते हो। ये तो बहुत टफ है, आखिर से चारों तरफ पहाड़ियों से ढके हो, छुपे हो आप, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी गंगोत्री यमुनोत्री। सोच सकता है कि इतनी दुर्गम स्थान के बीचों बीच ऐसा ग्राउंड होगा, ऐसा मैदान होगा हरा भरा। देखो पक्षी भी है, वहाँ नहीं दिखाई दिए यहाँ दिखाई दिए थे, कितना हरा भरा मैदान है यहाँ पे। और भी कई कैंप लगे हैं, और ना ये अपने खाने की जो चीज़ें होती हैं ना जैसे जो यूज़ करते हैं वैसी वाली, वो उसको डब्बे में भर के ले जाते हैं, नहीं तो अब तक तो यहाँ बहुत गंदा हो गया होता, उसको भी लेके जाते हैं नीचे। मैं इस वीडियो को पूरा डालूंगी क्योंकि एक साथ ही डालूंगी ये वाला जो सतोपंत यात्रा वाला होगा। मेरे ख्याल से हमें पीछे जो ग्लेशियर है ना उसी पे चढ़ के जाना है तो ज्यादा। ये है चक्र तीर्थ, यहाँ पर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे और भीम और धर्मराज आगे बढ़ गए थे उनको छोड़ के। आज है हमारा तीसरा दिन, कल रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे चला गया था और बहुत तबीयत खराब थी। अभी पानी वानी पिया है, लिक्विड पिया है, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला और दवाई ली है। अब देखते हैं एक बाधा और करो, 5 किलोमीटर का वो रह गया है, वो भी कर लेंगे, वो बाधा क्रॉस करनी है आज, उसके बाद इतना नहीं है। और मैंने चेस्टी पे अभी से बांध लिया है क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है ऑक्सीजन लेवल कल मेरा 35 था। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया और दवाई ली, ये प्रेरणा जी है मेरे साथ, उन्होंने मेरे को वो दिया क्या कहते हैं कपूर, उसके बाद जाके 70-75 आई, सबके ऐसे चले गए थे डाउन।
कोई अपनी उंगली काट के ब्लड निकाल रहा है, कोई होता है ना। तो जो लोग नहीं जा पाते ना वहाँ छोटा कैलाश बोलते हैं, इसको इसके दर्शन के लिए यहाँ आते थे। अच्छा, जय हो, जिनको कैलाशवान सरोवर हरे करने से भोलेनाथ। हाँ, ये फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं ना, येलो येलो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, भैया का उत्साह बढ़ता जा रहा था और जोर जोर से जयकारे लगाते जा रहे थे और हमें भी अपने साथ शामिल कर रहे थे जयकारों में। कठिनाइयों को खुशी खुशी पार करते हुए फिर लास्ट वादा है, उस धार पे चढ़ना है और नीचे से आए हैं उस टॉप पे जाना है वहाँ, फिर वहाँ पे रुकना है थोड़ी देर, क्योंकि नीचे ना थोड़ा डेंजरस है। ये मेरे ख्याल से हम 12 किलोमीटर करके आए थे भैया, उससे भी टफ लगा मुझे ये वाला ना, है ना। ये दिखने में नहीं लग रहा लेकिन ये उससे भी टफ है जो कल करके आए, और थोड़ा ही है लेकिन बहुत टफ था ये, जान निकाल दी इसने। अभी तक मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ था, आज हुआ। ये पार्ट है, यही बोलते हैं जिसने चक्रतीर्थ धार चढ़ लिया, हाँ, सतोपन कर लिया। अच्छा, अब आज हम टोटली एक्चुअल जो ग्लेशियर है ना, हाँ, उनमें चल रहे हैं। ये ग्लेशियर है सारा, अभी आपको देखो क्रेवास देखो ना सामने से, हाँ हाँ पूरा, हाँ, बस ये सिर्फ बोल्डर है, इनके नीचे बर्फी 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 बर्फ दस जाए कुछ पता नहीं। मेरे लिए तो ये ज़्यादा टफ है, बहुत डेंजरस है सीधा। ये इतनी डेंजरस जगह थी कि यहाँ पे एक गाइड खड़ा हुआ था लोगों को नीचे उतारने के लिए। ये डेंजरस है ना, ये क्रॉस करने धार। जय बद्री विशाल, हाथ में तो ले नहीं सकते हैं गोप्रो, सोचो अभी देखो इस धार पे चलना है। ऐसी न जाने कितनी धार क्रॉस की हमने उतरते टाइम, और एक बार में एक ही पैर रखा जा सकता था, लेकिन गाइड के सपोर्ट से हमने ये वादा भी अच्छे से पार कर ली। अब इससे आगे तो कहीं रास्ता था ही नहीं, पत्थरों पे चलना था बड़े बड़े, जो कि बड़ा ही डेंजरस था। गई 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 गई, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब कैसे आएगी? फोटो लाएगा बेचारा। तुम लोग क्रॉस कर लो यार, सब लोग यहाँ आ जाओ, तब थोड़ा वो भी शांत हो ले आए। सब लोग एक एक करके आ जाओ प्लीज यहाँ तक, वो लड़के करवा देंगे ना, लड़के साथ में क्रॉस करवा देंगे। इसके बाद देख लिया, ये सारे क्रेवास पड़े, हाँ हाँ क्रेवास है, इधर को घुसना है फिर। अच्छा, ये जो ग्लेशियर है, हाँ हाँ, लैंडस्लाइड जोन है ना, है तो ग्लेशियर, हाँ हाँ, के नीचे से हमने अंदर अंदर जाना है और तब फिर ऐसी क्रेवास मिलेंगे हमको। अच्छा, करते करते रास्ता देखना है। कितना रह गया अब? 3-4 किलोमीटर कुल। अच्छा, वही है कि हाँ डेंजरस वैसा है ना, कहीं रास्ते नहीं है, जो था यही था। हाँ अच्छा, अभी ऐसा ही है, उतरते वक्त ये पड़ेगी, बस आते ही है, हल्का फुल्का लगता है। हाँ हाँ हाँ, और इतनी चढ़ना है उसके बाद से नीचे। ये पूरा क्रेवास है, ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है भाभी, इसके नीचे से ग्लेशियर है, सबसे डेंजरस है ग्लेशियर है। ये पत्थरों की निशानियों पर से जा रहे हैं, बस पैर रखते हुए, कोई निशानी नहीं है यहाँ पे। एक तरह से 5 दिन हो गए चलते हुए। ये देखिए, ये क्रेवास जोन आया और ये हमारे इसके नीचे से जा रहा है, बहुत तेज पानी की आवाज़ आ रही है, तभी जल्दी जल्दी क्रॉस करना पड़ रहा है, ये कहीं रास्ता ही नहीं है। ये ऐसे ही मोल्ड है पूरे, और नीचे ग्लेशियर है, ऐसे मोल्डरों के बीच में से जाना है, देख लो पूरा ऐसा ही है। सबसे डेंजरस जोन है ये, इसके बाद एक और आएगी 90 डिग्री की चढ़ाई। इस पहाड़ी के बाद झील है ना, वहाँ से झंडे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये एक लौती मुश्किल रह गई है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, सारे ही मुश्किल थे।
ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा ये ग्लेशियर क्रॉस करना है, क्रॉस कर रहे हैं हम। ये होता है सबसे खतरनाक सेक्शन। ये तो रास्ता ही नहीं है, कैसे करेंगे? आराम से हैं, सब लोग फिसलना मत, सांस उतार लो पहले थोड़ी। ये देखो ये ऊपर रास्ता जा रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, उतरने में परेशानी होती है भैया। अब पहुंच गए लास्ट के, थोड़ी सी दूर में नींद आनी शुरू हो गई थी, भैया से हाथ पकड़ा। वाह, अरे वाह, जय बद्री विशाल, यात्रा सफल हो गई, सफल हो गई। यहाँ पे आके भीम ने अपने प्राण से आगे थे, और वो स्वर्ग नहीं कर रस्ता, वो आगे गए थे युधिष्ठिर। हाँ काहे कि ये तीर्थ में सफाई बनाए रखें। वाह देखा, इस चीज के लिए तरस रहे थे, तभी साथ देती तो जल्दी पहुंच जाती, पर तभी पहुंच सोच लिया था कि दर्शन तो करने हैं जरूर, या कैसी भी हालत हो। पास आके स्नान करेंगे, मतलब पहले सोचा था कि आएंगे, पर अब भगवान की इच्छा कि यहाँ तक ले आए, और हमारी यात्रा यहाँ तक तो सफल रही है, आगे भी सफल रहेगी। और ये नहाया नहा नहीं रही, हम कह रहे नहा लो भाई, नहा लो, नहीं लगेगी हमारी भी ले लो थोड़ी सी। अरे आज हम भी धन्य हो गए यहाँ आकर, सबने स्नान किया, स्नान नहीं कर पाए लेकिन पंच स्नान कर लिया, आज यहाँ स्नान करके बहुत धन्य हो गए और भावुक भी हो गए कि सोचा भी नहीं था कि कभी यहाँ पे पहुँचेंगे। मैंने तो बढ़िया स्नान कर लिया और मजे आ गए, दो दिन की सारी थकान खत्म हो गई, और दीदी हमारी आज थोड़ी डल लग रही है, लेकिन दर्शन हो गए, यहाँ तक आ गए। मैं कह रही हूँ यहाँ के सारी थकान सारी तकलीफ स्नान से सब दूर हो गई। ये तीन कुंड है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ स्नान करने आते हैं। हाँ कार्तिक पूर्णिमा को, हाँ जो ऊपर वो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कार्तिक पूर्णिमा जब दिवाली की वो दीपावली के पास होती है। हाँ 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 उस पे स्नान करने आते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी। ये भी खाने आए चने, भैया ये कौन सा पर्वत है? चोखंबा कैलाश, वो स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। ये नीलकंठ पर्वत है जो बद्रीनाथ जी से दिखता है, और जो नीलकंठ पर्वत है वो केदारनाथ जी के बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है। ये बाबा जी की केव है, वहाँ नहीं जा रहे हैं तो बहुत टाइम हो गया है। एक बाबा जी यहाँ पे सतोपंत से आके, क्योंकि रास्ते में ना हम दूसरी साइड से आए बोल्डर वाली साइड से जो ग्लेशियर साइड थी, तो इसलिए रिकॉर्डिंग ली थी वहाँ पे, और बहुत डेंजरस भी था वो, नीचे से ग्लेशियर के ऊपर से आए थे ताकि छोटा पड़ता, और आके ऐसे सोई रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं किया। आज फिर 12 किलोमीटर है, आज जाना है हमें कहाँ, ये लक्ष्मी वन जहाँ हम पहले गए थे वसुधार के पास, आज वहाँ पहुँचना है, कल पहुँचेंगे बद्रीनाथ जी। एक मिनट दोबारा से, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और आज मौसम देखिए, बारिश की संभावना है पूरी, ऊपर देखो वो लोग जा रहे हैं सतोपंत के लिए, और हम जा रहे हैं वापस
हम कहाँ जा रहे हैं? नंद उसके लिए लक्ष्मी वन 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। हाँ, पर ये हमारे सारे मेहनत करने वाले बेचारे पोर्टर्स हैं, हमारे लिए दिन रात खाना बना रहे हैं, सारा सफाई साफ सफाई करके जाएंगे यहाँ से। हम तो आके बैठ जाते हैं, खेल के घूम के आ जाते हैं, ये हमारे लिए सर्दी में खाना बना रहे हैं देखो। और ऊपर से कोई बीमार पड़ जाता है उसको ढो के भी लाते हैं। ये हमारे गज्जू भैया हैं, ये कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरा बैग लेके आए थे। और भैया फिर दोबारा अगर जाना पड़ जाएगा, जैसे कल उतरे फिर दोबारा परसों चलेंगे वापस ऊपर के लिए। थोड़े से सूर्य देव चमके हैं और अब हमारा लक्ष्मी वन जाके ही कैमरा खुलेगा, क्योंकि सेम रास्ता था जो दिखाया था। आज उधर मौसम ख़राब है, हम कल कर आए तो अच्छा था। 2 दिन का अलर्ट भी है, 17 से अलर्ट है। ये हमने सारे पोर्टर भैया ले लिए अपने साथ, और ये देखो गर्मा गर्म पापड़, और क्या आया ये पता नहीं। हाँ, ये हमारे हीरो भैया ने पहली बार कैमरा निकाला है। अच्छा भैया ने कब कलर कर चुके, क्या बनाई खिचड़ी? कोई पापड़ तो अभी हमला बोल रहे हैं। ये अचार निकाला जा रहा है, मजा आ जाता है अचार खा के ना। और देख लो सबसे पहले कौन तैयार बैठा है, प्रीति। कल मेरी आज तबीयत खराब थी तो ये मुझे ऐसे खींच खींच के लाया, मैंने कहा 2 मिनट सांस ले लूं, कह रहा 2 घंटे ले लो मैं सो जाता हूँ। अभी हमें 12 किलोमीटर चलना है और कल 8 किलोमीटर, किसी के जोश में कोई कमी नहीं है। डाउन में जा रहे हैं तो मैंने कैमरा खोल लिया है, ऊपर तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। इसी नज़ारे देखिए आप, कुछ लेडीज़ गई हैं, वो कह रही हैं अमरनाथ से भी टफ है। अमरनाथ में एक तरफ खाई है, अगर गए तो सीधा खाई में, यहाँ खाई नहीं है पर चढ़ाई वाइज ये वाला टफ है। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, अब तो थोड़ी बहुत बॉडी एक्युमुलेट हो गई है हमारी। आज मौसम भी सूर्यदेव नहीं निकले हैं, ठंडा ठंडा है। मुझे तो उतरते वक्त भी नी का ध्यान रख रहा है, पड़ रहा है, क्योंकि भगवान की दया से अभी तो ठीक है। आज कितनी जल्दी पहुंच गए हैं। एक दो जगह ढलान मिलेगी। और ये ग्लेशियर देखो कितनी देर बाद आया था, अब जब भी आ गया, छोटा सा ग्लेशियर है ये। ये सहस्त धाराएं भी आ गई, तब लग रहा था पता नहीं कितनी दूर है। और अब मैं अपना बैग दिखाऊंगी ना, तो अब देखोगे हिमालय में 2-2, 3-3 किलो बैग भी भैया तो पूरा ले जा रहे हैं, कि हमारा क्या हो रहा है 4 किलो है, क्योंकि कम से कम बैटरी है गोप्रो की, और वो है ट्राइपॉड भी रखा हुआ है मैंने एक, और ऊपर से वो है गोप्रो की बैटरी और 2 पावर बैंक। तो पावर बैंक कितने हैवी हो जाते हैं, पानी की बोतल और रेनकोट। आज तो मैंने 2 रेनकोट रख लिए। बद्रीनाथ 3100 है और बद्रीनाथ जी 3100 है, लक्ष्मी वन जो है 3650 है। हाँ, ये 4150 है। जाम गए थे? नहीं नहीं, वो है 4350 सतोपन, 4350 पे रुके थे हम, ये चक्रतीर्थ में दो दिन। हाँ, 2000 प्लस पे रुके थे। और चक्रतीर्थ में अगर जो रुक गया तो वो आगे चला जाएगा फिर। पूरा ग्लेशियर है ना, नीचे नीचे आवाज आ रही है, पानी की बहुत तेजी है, यहाँ से नीचे जा रहा है। हम एक बार वो केदारनाथ जी में ना सब शॉर्टकट मार रहे थे, मैं ये और सब 15 में, तो हमने लैंड पूरे स्लाइडिंग करके नीचे गए। हम शिवांगी नहीं गई, मैं नहीं जाऊंगी, दिया तो हेलीकॉप्टर से चली गई थी, और हमें तो मजे आ गए, हम नीचे नीचे पहुंचते चले गए, उसको लग गई चोट, वो रास्ते से जा रही थी, फिर हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा उसको। ये पूरा मोल्टर जोन है,
कल भी हम उतरते वक्त इससे भी खतरनाक वाले रास्ते से आए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, वो पूरा ग्लेशियर था। और प्रेरणा जी तो गिरते गिरते बची हैं। प्रेरणा जी बच गई बहुत। ये देखो पूरा ग्लेशियर है जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी। रात को टेंट में रहे ना, बहुत तेज बारिश थी, बहुत तेज। और टेंट का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे को तो खैर सर्दी कम लगती है, पर कईयों को बहुत सर्दी लगी। मुझे नहीं लगी सर्दी, क्योंकि मैंने अपने हीट लॉक वगैरह वो पहने हुए थे। कईयों के पास थे तब भी उनको लग रही थी। मैंने जो आपको सॉक्स दिखाई थी ना डिकैथलॉन की, पैंट तो मैंने नॉर्मल पहनी, पैंट नहीं पहनी क्योंकि वो सॉक्स ही घुटने से नीचे हैं। और वैसे भी मुझे कम लगती है सर्दी, लेकिन हाँ ऑक्सीजन की कमी हुई थी। चढ़ाई पे चढ़ना है, चढ़ाई पे चढ़ना है उधर। और ये जो है ना कपूर लगाया हुआ है इसमें ताकि सांस की प्रॉब्लम ना हो, फटाफट चढ़े जा रहे हैं। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होने वाली है तो थोड़ी देर में पहनना पड़ेगा। कपूर ना लगाए ना तो सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है चलने में। बारिश शुरू हो गई है तेज थोड़ी सी, अब रेनकोट निकालना पड़ेगा। ला रखा है मैंने पैंट भी और सब कुछ। हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ, मैं प्रीति और केशव भैया। आज वहाँ बहुत ठंडा मौसम था, 12:30 बजे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना नीचे ही आ जाएं। तो अभी टाइम बताते हैं आपको कितना हुआ है। और मुँह ना सूज गया है, इतनी बारिश थी वहाँ पे, बारिश ही बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। हमें तो अपनी गाड़ी से जाना था तो वहाँ बात कर ली, और 2:30 बजे हम वहाँ से चले थे, 12:30 बजे हम वहाँ नीचे पहुँचे थे। 8 किलोमीटर। हाँ क्या बात है, क्या बात है, मैं ये रास्ता पहली बार देख रही हूँ पीछे का। ये हम पीछे पीछे से सीधा मंदिर पहुँच जाएंगे, यानी कि 2:30 से लेके 5:30 बजे तक हम मंदिर पहुँच गए हैं। प्रीति और भैया आगे चले गए, मैंने निकाल लिया, मैंने कहा अब तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, रास्ते में तो नहीं की थी क्योंकि ढलान। और जब यात्रा समाप्ति के चरण पर होती है कितनी खुशी मिलती है ना। ये अलकनंदा जी आ गई, मैंने आपको उद्गम स्थल भी दिखा दिया जिनका, भागीरथी का भी दिखाया था, इनका भी दिखा दिया। जय बद्री विशाल। देखा कितनी भीड़ है, आपने भीड़ भरी पड़ी है। ओ, हमें तो ये भी याद नहीं कि कौन सा दिन आज। ये शैलेंद्र भैया मिल गए हैं, ये ऋषिकेश के हैं। और यहाँ पे ये इनका होटल बन रहा है और ये चैनल देखते हैं, इन्होंने पहचान लिया। हालांकि आज, और क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवम नाम है। अच्छा शिवम, ये तो इसी में ही थे ना होटल जिसमें रुके थे? इसी प्रॉपर्टी में। हाँ इसी में हम रुके भी थे, इसी में थे। प्रीति सब्सक्राइब करवा रही है। हमारा सतोपंत का ट्रैक बद्रीनाथ जी कृपा से बहुत अच्छी तरह से हो गया है खत्म। कुछ एक्सपीरियंस हैं जो प्रीति शेयर तुम भी करो। कौन से वाले भाई? हम अब की बार थोड़े मोटे हो गए थे भैया। मैं तो हो गई थी। मेरी फिटनेस ठीक थी इस बार। हाँ प्रीति की ठीक थी, मेरी मेरी भैया की भी मोटे हो गए ना भैया। हमने नट बोल्ट अपने सब चेक कर लिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन वेट लूज करना है। वेट लूज करना है मेरे को भी करना है। और ग्रुप बहुत अच्छा था जो हमारा ट्रैक पे जाए। हाँ वो कम से कम 6 महीने वर्कआउट जरूर करे रोज। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, सारी थकान वैसे ऊपर जाके मिट जाती है। और जो ग्रुप, अगर ये जो गो हिमालय का ग्रुप था, अगर इसको कोई भी ग्रुप हो आपका, उसको फॉलो करो तो अच्छे से करो। हाँ, और सब लोग बहुत ही अच्छे थे, सभी बहुत। हाँ बहुत अच्छा, हमसे भी ज्यादा फिट ग्रुप मिला। 60 ईयर की लेडी, बहुत ही फिट। वो अंकल जी थे जो बहुत फिट, सच में कहते हैं ना कि बुजुर्ग कर लेते हैं, हम बुजुर्ग हमसे ज्यादा फिट है। तो वीडियो हम यही खत्म कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं। जय बद्री विशाल। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और हमने आज एक दिन में ही ये तो बताना भूल गए, एक दिन में ही हम, हाँ मतलब वो सब कल आएंगे, हमने क्या 20 21 22 किलोमीटर 22 एक दिन में खत्म कर लिया हमने ट्रैक।